नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, जहां पे दिग्गज इन्वेस्टर ने बहुत ही बड़ा स्टेक बाई किया है दोस्तों, और इसके बाद स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम भी आया है। तो आगे इस स्टॉक में क्या रणनीति करनी चाहिए, आपके पास है तो क्या करना चाहिए, या फिर नया बाई करना है तो कौन से लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने चैनल में हर बार आपको बोलता हूँ लो रिस्क हाई प्रॉफिट दोस्तों, तो रिस्क और प्रॉफिट दोनों दोस्तों हम चेक करेंगे और मैं आपको चार्ट के ऊपर पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा दोस्तों। मैंने दोस्तों भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो कल अपलोड किया था, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाया है उस वीडियो के अंदर, कि जहाँ पे आपका रिस्क जो है वो मिनिमम रहेगा, प्रॉफिट आपको अच्छा मिल सकता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की दोस्तों। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, 275.70 पे दोस्तों अभी ट्रेड कर रहा है और तकरीबन 3.67% का अपर हुआ है दोस्तों। अब हम चलते हैं न्यूज़ के ऊपर दोस्तों। न्यूज़, राकेश झुनझुनवाला पिक्ड 2.2% स्टेक इन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इन जून क्वार्टर 2021 में दोस्तों। यानी कि दोस्तों इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने स्टॉक का स्टेक परचेज कर लिया है। और अब हम चलते हैं बीएससी के साइड के ऊपर, जहां पे आपको दोस्तों बहुत सारी शेयर होल्डिंग दिख रही है, बड़े बड़े नाम है दोस्तों। एफआईआई की अगर बात करें तो ब्लैक रॉक जैसे नाम है दोस्तों, ब्लैक रॉक इमर्जिंग फ्रंटलाइनर है, बड़े बड़े एचएसबीसी नाम है, और उसमें एक बड़ा नाम दोस्तों अब जुड़ चुका है, वो है राकेश झुनझुनवाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश एंट्री और यहाँ पे 1 करोड़ शेयर उन्होंने बाय किए है दोस्तों। तो कंपनी में बहुत ही अच्छी कंपनी थी, डिविडेंड भी देती थी, बट कुछ प्रॉब्लम आए थे उसकी वजह से दोस्तों, लिक्विडिटी के इश्यू की वजह से इसमें बहुत सारा पिटाई भी हुआ था स्टॉक का। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर, जहां से हमें पता चलेगा दोस्तों कि हमें आगे इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आप अगर मेरे चैनल के पहले से सब्सक्राइबर है तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, हमने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। आपको याद होगा कि बार बार मैं स्टोरी कवर करता हूँ जब भी बड़े न्यूज़ आते हैं और हमें तब क्या करना चाहिए। तो आपको याद होगा कि 180 के आसपास जब स्टॉक चल रहा था तब HDFC के साथ इसका नाम जुड़ा था, तब से मैं कवर कर रहा हूँ इस स्टॉक को। और उससे पहले दोस्तों 251 का जो डेली आपको ब्लू लाइन दिख रहा है, वहाँ पे दोस्तों कोई न्यूज़ नहीं था, तो वहाँ से नीचे आया, दो बार नीचे आया दोस्तों। यहाँ पे मैंने बोला था तगड़ा रेजिस्टेंस है, जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक लंबी अवधि के लिए कुछ नहीं करना है हमें। तो दोस्तों HDFC का मिला हमें सहारा, और दोस्तों दूसरा सहारा हमें मिला इस स्टॉक को, उसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। अब तीसरा, जो हमने 310 के टारगेट अचीव कर लिए थे, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, बट फिर काफ़ी व्यूअर्स पूछ रहे थे कि सर आगे हम क्या करें। तो दोस्तों जब तक कोई न्यूज़ नहीं आता स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं आता। अब राकेश झुनझुनवाला जी ने बाय किया है, बट अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो 251 का जो सपोर्ट था 250 का, वो अब हमारा रजिस्टर अभी हमारा सपोर्ट लेवल बन चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे जब भी उसी के आसपास आए, अभी अगर हमारा रिस्क कैलकुलेट कर तो 25 रुपये का बनता है दोस्तों, 25 रुपीज़ का। अगर इससे जितना नज़दीक मिल जाता है हमें, उतना हमें इसके आसपास लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आप लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर भी ले सकते हैं और आगे मोमेंटम आ सकता है। दूसरा बड़ा चीज़ दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड लाइन जो पहले से आप मेरे पिछले वीडियो में देखोगे वहीं से खींची हुई है और उसको कंटिन्यूस रिस्पेक्ट दे रहा है दोस्तों स्टॉक। जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटता नहीं तब तक ट्रेंड अपर पे बेकरार है दोस्तों, हमें जल्दी 300 से अबो के लेवल इस स्टॉक में मिल जाने चाहिए दोस्तों। और ये सारे दोस्तों मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्टॉक मार्केट के जुड़ी सारी नई जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ लंबी अवधि के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।